हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी। तो पाव भाजी कैसे बनाते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम कुकर चढ़ा दिए और उसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच के करीब सरसों तेल और आधी छोटी चम्मच डाल दिए हैं इसमें जीरा। जीरा थोड़ी देर तड़कने देते हैं, उसके बाद डाल देते हैं कटोरी से 1.5 कटोरी हम डाल दिए हैं आलू और सेम वही कटोरी से हम डाल देते हैं गोभी। तो 1.5 कटोरी आलू डालें तो 1.5 कटोरी हमें गोभी भी डालनी है और उससे उसी कटोरी से हमें डालनी है 1 कटोरी गाजर जो बारीक कट के रखे थे और सेम उसी कटोरी से हमें डालनी है टमाटर, वो भी हमें 1 कटोरी डालनी है और सेम उसी कटोरी से हमें डालनी है चुकंदर। चुकंदर हमें आधी कटोरी से थोड़ी सी कम डालनी है और 2 हरी मिर्च डाल देते हैं और दाल कड़ी से मिला लेते हैं। चुकंदर हमें ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि चुकंदर से हमें केवल कलर आते हैं, तो कलर के लिए हम चुकंदर डालें और सारे वेजिटेबल को डालकर इसमें हमें चला लेते हैं, मिला लेते हैं। 1-2 बारी से चला कर हम आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं और नमक डाल कर इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। जब ये मिल जाए, अच्छी तरह से मिल जाए, तो एक छोटी गिलास ली है जिसमें 250 ग्राम पानी आता है और उस 250 ग्राम पानी को हम इसमें डाल देते हैं और डाल कर इसे चला कर अच्छे से इस तरह से ऐसे बराबर से बैठा देते हैं और लगा कर इसे चला कर कुकर का ढक्कन हम बंद कर देते हैं। और कुकर का ढक्कन बंद करके हमें 1-2 सीटी आने तक हमें तेज़ आंच पर पकानी है इसे और 3 सीटी तक हमें मीडियम आंच पर पकानी है। जब 5 सीटी लग जाए, 3 सीटी जाए कम आंच पर और 2 सीटी तेज़ आंच पर, तो हमें गैस बंद ही हमें रख देनी है। देखिए 1 सीटी लग गई है, इसी तरह 2 सीटी भी लग गई, 3 सीटी अभी हमें और लगानी है मीडियम आंच पर और कुकर को बंद ही हमें रख देनी है। तुरंत इसका गैस हमें नहीं निकालना है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिए 2 इंच के करीब मक्खन डाल दिए, बटर जो घर का बना हुआ था और 2 चम्मच हम सरसों तेल डाल दिए। मक्खन अभी ज़्यादा नहीं पिघले हैं, उसमें डाल देते हैं प्याज 1-2 मीडियम साइज के हम बारीक कट करके प्याज लिए थे और उसे डालकर हम इसे पका लेते हैं, भूंज लेते हैं। ज़्यादा हमें नहीं भूंजनी है, बस गुलाबी ही करनी है। ये देखिए घर का मक्खन है तो इसे पिघलने पर लाल लाल दाढ़ी निकल रहे हैं, तो इससे कोई हानिकारक नहीं हुआ और सौंधी ही लगेगी। जब 1-2 बार चला लें तो इसमें डाल देते हैं हम शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी हम बारीक कट कर लेते हैं और वो थोड़ी सी लिए हैं, ज़्यादा शिमला मिर्च नहीं लिए हैं, बस स्वाद के लिए लिए हैं। और उसे भी डालकर 2-3 बार तक हम इसे चला लेते हैं, यानी कि 1-2 मिनट हम इसे भूंज लेते हैं। गैस का आँच हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच के करीब हम नमक डाल देते हैं। नमक डालने से कि प्याज ज़्यादा कुरकुरे नहीं होंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे, ये बस सिर्फ गुलाबी होंगे, तो हमें प्याज गुलाबी ही रखनी है, ज़्यादा नहीं हमें भूनी है। देखिए इस तरह से जब ये गुलाबी हो जाए तो इसमें हमें डाल देना है एवरेस्ट का तीखा लाल 1 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा और पाव भाजी मसाला भी हमें 1 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है और डालकर इसे भूंज लेना है। और हाँ, मसाला डालने से पहले गैस का आँच हमें एकदम कम कर देना है वरना ये मसाले जल जाएंगे। और इसे मसाले को भूंजते हुए इस तरह से ऐसे दबा दबा कर भूंजें ताकि ये जो सब्जी है, प्याज जो है, वो अच्छी तरह से मैट हो जाए और मसाला दोनों सब मैट हो जाए। तो इसी तरह से हमें 2-3 मिनट तक हमें इसे पका लेनी है। जब ये मसाले भून जाएँ तो इसमें हमें लगभग 100 ग्राम के करीब पानी डालने हैं। देखिए गिलास में दिखा दी हैं तो लगभग हमें 100 ग्राम के करीब पानी डालनी है और डालकर इसे थोड़ी सी आँच तेज कर देनी है और तेज करके इसे हमें पका लेनी है। देखिए लगभग इस तरह से हो जाए तब भी हमें 1-2 मिनट तक हमें पकानी है, जब तक इसमें से माखन और तेल ना निकलने लगे। अब हम चलते हैं कुकर को खोल कर देख लेते हैं। वाह, देखिए गैस निकल चुका है। देखिए सब्जी भी कितनी सॉफ्ट से बनी है। वाह, देखिए बिल्कुल खिले खिले से लग रहे हैं। अब हम इसे चम्मच से चला लेते हैं और इसे पाव भाजी मैसर से इसे मैश कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे, तो पाव भाजी मैसर से अच्छी तरह से इसे मैश कर लेते हैं। इसे मैश करने में बहुत ही आसानी होती है, आप चाहें तो दाल घोटनी से भी इसे मा सकते हैं, लेकिन पाव भाजी मैसर से बहुत ही आसानी से मैश हो जाते हैं और बहुत जल्दी मैश हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ऐसे कितनी गाढ़ी है। तो वेजिटेबल में ज़्यादा पानी नहीं थे इसलिए ये गाढ़ी गाढ़ी लगी हैं। हम थोड़ी सी दाल घोटनी से भी इसे मह कर दिखा देते हैं, गांठ कर चला कर इसे दिखा देते हैं। इसे थोड़ा टाइम लगता है और पाव भाजी मैसर से जल्दी मैश हो जाते हैं। तो ये देखिए ये मैश हो चुके हैं। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ, देखते हैं।
ये देखिए, ये मेरे मसाले भुन चुके हैं, प्याज मिर्च मसाले भुन चुके हैं, तेल मक्खन निकल रहे हैं, इसमें से तेल छूट रहे हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं वो पाव भाजी जो अभी कुकर में मैट करके रखे ना, उसे भी हम डाल देते हैं, उसे डाल देते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे, देखिए गैस का आँच जब अभी हमें कम ही रखनी है, जब पूरे इसमें बैटर डाल दें और एक दो बार चला लें, उसके बाद ही गैस का आँच तेज कर दें। और तेज करने से कि ये जल्दी से पक जाएंगे, क्योंकि अभी कढ़ाई भरे भरे से लग रहे हैं, तो एक दो मिनट हमें तेज करके पका लेनी है। जब इसमें एक दो उबाल आ जाए तो हमें मटर, फ्रेश मटर हम डाल दिए हैं, जो खेत से तोड़ कर ताज़ी मटर है, और छील कर इसे डाले हैं। अगर आपके पास कड़े वाले मटर है तो उसे उबाल कर डालें। तो ये तो तुरंत पक जाएंगे, इसलिए हम अब डाल रहे हैं। और डाल कर इसे पाव भाजी मैसर से इसे इस तरह से ऐसे मैश कर देते हैं। तो पाव भाजी मैसर से ही आप पकाएं इसे, और मैश करते हुए इसे पकाएं। आप चाहे तो कलछी से भी चला सकती हैं, लेकिन उसे पकाने से है कि जो गांठ वगैरह वेजिटेबल में रह गए हैं वो रह जाएंगे। और पाव भाजी मैसर से चलाते हुए पकाएंगे तो जो ज़रा सा भी गांठ रह गए होंगे वेजिटेबल में, वो मैश हो जाएंगे, और ये मटर भी मैश हो जाएंगे। और बीच बीच में हमें छोलनी से करछी से इस तरह से ऐसे चला लेनी है और देख लेनी है। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो ये मेरे मैसर लगभग बैटर पक चुके हैं, हमें एक दो मिनट और पका लेनी है। बैटर पक चुके हैं, अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और ऊपर से धनिया पत्ता छिड़क देते हैं, और माखन का एक टुकड़ा, 2 इंच का टुकड़ा लेकर इस पर रख देते हैं और ढक देते हैं, और ढक कर इसे चूल्हे से उतार देते हैं। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब हम एक ले रही हैं पैन, और उसमें 1 इंच मक्खन डाल दें, और डाल कर इसे चारों तरफ से इस तरह से ऐसे घुमा लेते हैं, और गैस का आँच एकदम कम रखनी है। और उस पर डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच ये पाव भाजी डाल देते हैं, और भाजी डाल कर इस तरह से चारों तरफ फैला देते हैं। और ये लिए हैं हम पाव, लिए हैं जो मार्केट का पाव है, उसे इस तरह से बीच से खोल कर इस पर रख देते हैं, और जब 1 मिनट हो जाए तो इसे इस तरह से उंगलियों से ऐसे पकड़ कर हमें पलट लेना है। फिर इसे 1-2 मिनट छोड़ देना है 1 मिनट तक, और फिर इसे उस तरह वापस से उसी साइड में इसे हमें पलट देनी है। दोनों साइड से हमें सेक लेनी है अच्छे से, ताकि ये अच्छे से सौंधी से लगे। और ऊपर से हमें मक्खन लेकर, 1-2 इंच का मक्खन का टुकड़ा लेकर ऊपर से हमें इस तरह से इसे घींच देना है, ताकि ये सॉफ्ट तो है ही, सौंधी से भी हो जाए, ताकि ये बहुत अच्छे लगे। ये देखिए, ये मेरे पाव भाजी बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। देखिए दिखाते हैं, ये देखिए, और एक बार घर पर इसे ज़रूर बनाएं।